हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फ्रेश टॉपिक कह लो, सब्जेक्ट कह लो, एलजेब्राइक नंबर थ्योरी। अभी तक हम कर रहे थे एनालिटिकल नंबर थ्योरी। किसी किसी के यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अलग से टॉपिक नहीं है एलजेब्राइक नंबर थ्योरी का। जहाँ आपको एनालिटिकल नंबर थ्योरी दिखे, उसी का पार्ट है एलजेब्राइक नंबर थ्योरी। कोई कोई यूनिवर्सिटी अलग से सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। एलजेब्राइक नंबर थ्योरी अलग है और एनालिटिकल नंबर थ्योरी अलग है। किसी किसी में एक साथ है, एनालिटिकल में ही पार्ट दे रखा है अंदर एलजेब्राइक नंबर थ्योरी का, तो अलग से सब्जेक्ट का नेम डिफाइंड नहीं है एलजेब्राइक नंबर थ्योरी। लेकिन है सबके सब में, लेकिन किसी में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल जाएगा, किसी किसी में एनालिटिकल नंबर थ्योरी में ही एक टॉपिक मिल जाएगा एलजेब्राइक नंबर थ्योरी का। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलो आज बेसिक करेंगे अल्जेब्राइक नंबर थ्योरी का, लेकिन आज बेसिक सारा कंप्लीट करेंगे। कौन से नंबर होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं, तो पूरी बेसिक जो है वो आज है। क्योंकि आपका बेस अगर सही हो तो आप एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन चाहकर भी सॉल्व करना भी शुरू नहीं कर सकते। एक तरह से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच तक नहीं कर सकते कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो उस क्वेश्चन के लिए या नहीं। तो बेसिक समझना तो ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है, तो करें शुरू। रैशनल इंटीजर्स सबसे पहला टॉपिक है भाई। अलग से ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रैशनल इंटीजर्स को। इंटीजर्स का ही नाम एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी में रैशनल इंटीजर रख रखा है। जब तक हम इंटीजर्स पढ़ते आए थे, माइनस के, प्लस के और ज़ीरो, ठीक है, जो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कंप्राइजेज इंटीजर्स। इंटीजर्स को ही दूसरा नाम अभी मैथ्स में हम एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी में आगे यूज़ करेंगे, रैशनल इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल इंटीजर और रैशनल नंबर में कंफ्यूज मत होना। रैशनल नंबर वही है जो हम पढ़ते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सेम एज इट इज़। लेकिन रैशनल इंटीजर क्या है ये आपको क्लियर मैंने कर दिया है। इंटीजर ही रैशनल इंटीजर है। एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी में आपको इंटीजर्स की बजाय रैशनल इंटीजर वर्ड यूज़ कर रखा है। अब चलते हैं हमारे मेन और कहने के लिए फर्स्ट यही है डेफिनेशन, एल्जेब्राइक नंबर। एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए एल्जेब्राइक नंबर होता क्या है। ठीक है, एल्जेब्राइक नंबर, एक ऐसा नंबर होता है जो एक एल्जेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और उसमें जो ये एल्जेब्राइक इक्वेशन में जो कोफिशियंट्स हो ना, ये रैशनल इंटीजर्स हो। ठीक है, कोई भी एक नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और उस इक्वेशन में ये जो है वो एल्जेब्राइक नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये नहीं कही है कि ये रैशनल इंटीजर्स होने चाहिए, नहीं, ये रैशनल इंटीजर होने चाहिए जो कॉफिशियंट्स हैं। ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, एल्जेब्राइक नंबर। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी, क्या ये एल्जेब्राइक नंबर होगा या नहीं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर तो जाएगा, अगर ये ए और बी जो है वो एल्जेब्राइक, सॉरी, रैशनल इंटीजर्स हो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो बी एक्स इक्वल्स माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर एक्स की वैल्यू ए बाय बी रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स क्या है, एल्जेब्राइक इंटीजर। ठीक है, सॉरी, एल्जेब्राइक नंबर, नॉट इंटीजर, एल्जेब्राइक नंबर। कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत रहना। सबसे पहली कन्फ्यूज़न आपको अगर जो दूर करके चलनी है वो यही है, एल्जेब्राइक नंबर अलग है और एल्जेब्राइक इंटीजर अलग है। ठीक है, तो एल्जेब्राइक इंटीजर के लिए चलते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन है, और वो जो थोड़ा डिफरेंस है ना, वो आगे चल के बहुत बड़ा डिफरेंस प्रूव होगा जब तुम थ्योरम सॉल्व करोगे कि एल्जेब्राइक नंबर और एल्जेब्राइक इंटीजर दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस क्या है। एल्जेब्राइक नंबर जब तुम पढ़ रहे थे तो तुमने क्या कहा था कि एक नंबर जो एक एल्जेब्राइक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, इस इक्वेशन को, और ये ए और बी जो है वो रैशनल इंटीजर्स हों, तो हम कहते थे कि वो क्या हों, वो क्या कहलाएगा, वो जो नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, एल्जेब्राइक नंबर। अब है एल्जेब्राइक इंटीजर, अगर उसमें जो कोफिशियंट है हाइएस्ट पावर का, जो कोफिशियंट है वो लीडिंग कोफिशियंट बोलते हैं उसे, वो अगर वन हो जाए, मान लो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू अगर वन हो जाए, ठीक है, तो एक्स माइनस ए ही बचा, तब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा एल्जेब्राइक इंटीजर।
हमने यहाँ सिंपल लिखा हुआ है एलजेब्रिक इंटीजर, इफ़ ए नॉट इज इक्वल्स टू वन इन द डेफिनेशन ऑफ एलजेब्रिक नंबर देन एक्स इज एन एलजेब्रिक इंटीजर, कि अगर इस डेफिनेशन में ए नॉट की वैल्यू वन हो जाए तो ये एलजेब्रिक नंबर की बजाय एलजेब्रिक इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेशन आते हो तो तुम ये मत लिखना कि इसकी डेफिनेशन में अगर ए नॉट की वैल्यू वन हो जाए, तो तुम्हें करना है, इन्होंने देखो ये बता रखा, ए नंबर एक्साई इज सेड टू बी एलजेब्रिक इंटीजर इफ एक्साई सेटिस्फाई अ मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका लीडिंग कोफिशियंट क्या हो वन, उसे बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल हुज कोफिशियंट्स आर रैशनल इंटीजर्स, कि वो जो बचे हुए कोफिशियंट्स हैं वो तो रैशनल इंटीजर्स बेशक हो लेकिन जो लीडिंग कोफिशियंट है वो वन हो, मतलब पॉलिनोमियल कैसा हो वन, सॉरी मोनिक। अगर ऐसे पॉलिनोमियल का कोई नंबर सेटिस्फाई कर जाता है, मान लो वो नंबर एक्साई है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, एलजेब्रिक इंटीजर। दोनों में क्लियर हो गया होगा, लीडिंग कोफिशियंट वन हो तो एलजेब्रिक इंटीजर, और लीडिंग कोफिशियंट सिर्फ एक रैशनल इंटीजर है सिंपल सा, तो एलजेब्रिक नंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या है, गॉसियन इंटीजर जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो मैं समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीजर की बजाय क्या लिखा, क्या टर्म यूज होगी अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में, गॉसियन इंटीजर। अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ए प्लस आयोटा बी, अगर कोई नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, और ये ए और बी क्या हैं, रैशनल इंटीजर्स, रैशनल इंटीजर मतलब जो हमारे नॉर्मल इंटीजर होते हैं वो, तो अगर ऐसी फॉर्म में है तो वो क्या होगा, गॉसियन इंटीजर। अगर मैं कहूँ 2 प्लस 3 आयोटा, तो क्या ये गॉसियन इंटीजर है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ 4 बाय 3 प्लस 2 आयोटा, क्या ये गॉसियन इंटीजर है, नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ए रैशनल इंटीजर। यहाँ भी इंटीजर होना ज़रूरी है, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ए बाई बी की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर 4 बाई 2 हो जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं दिस इज़ अ गॉसियन इंटीजर, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, क्यू आयोटा, ठीक है, क्यू ब्रैकेट में आयोटा, वो होता है गॉसियन इंटीजर की नोटेशन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन ही चल रही है आप लोगों की, बेसिक है सारा। अब है डिविजिबिलिटी इन क्यू आयोटा, कि गॉसियन इंटीजर में डिविजिबिलिटी कैसे होती है। अगर मैं कहूँ कि एक्साई एक गॉसियन इंटीजर है, सॉरी एक्साई एक गॉसियन इंटीजर है और वो कम्प्लीटली डिविजिबल है ईटा से, ठीक है, एक्साई जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है ईटा। तुम खुद सोचो, जब हम बोलते थे ए को डिवाइड करता है बी कम्प्लीटली, या फिर हम कहते थे ए इज़ डिविजिबल बाय बी, इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था ए को हम इस ए बाय बी का, कि ए को हम इस किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी इन टू सी, मतलब किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर अगर ए आ जाता है तो हम कहते थे अगर ऐसा है तो ए इज़ डिविजिबल बाय बी। अगर हम कह रहे हैं एक्साई इज़ डिविजिबल बाय ईटा, बात तो सेम है, लेकिन यहाँ इंटीजर की बात होती थी, यहाँ गॉसियन इंटीजर की बात हो रही है। तब हम कहते थे देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, सी होता क्या था, देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर सी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी इन टू सी। यहाँ क्या है, हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए गॉसियन इंटीजर सिग्मा सच दैट दिस, कि ए हम कहते थे ए इज डिविजिबल बाय बी या एक्साई इज डिविजिबल बाय ईटा, वो क्यों होता था, क्योंकि एक्साई इज इक्वल्स टू ईटा इंटू सिग्मा, कि कोई ना कोई एक और, जब एक इंटीजर इंटीजर से डिविजिबल हो तो एक और इंटीजर ऐसा मिलता था जिसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू दे दे। अगर एक गॉसियन इंटीजर से डिविजिबल है तो एक और गॉसियन इंटीजर ही एग्जिस्ट करेगा जिसको हम ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्साई दे दे। सिंपल सा रूल है जो हम इंटीजर पे करते थे, कि अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिविजिबल है तो हमें एक और इंटीजर मिल जाएगा, कि हम दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिविडेंड आ जाएगा, लेकिन यहाँ वो सारा काम हमें गॉसियन इंटीजर के लिए बोलना है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं या रिमार्क कह लो या नोट कह लो, हर गॉसियन इंटीजर के 8 ट्रिवियल डिवाइजर्स होंगे ही होंगे, ठीक है,
देखो, हम बोलते थे प्राइम नंबर में कि उसके खुद के दो डिवाइजर तो ट्रिवियली पक्का होंगे, कोई भी नंबर उठा के देख लो तुम, एक तो वन और एक इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ वन का काम क्यों कर रहा, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, ये चार, ये वन का काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो एक्साई के कौन से आठ ट्रिवियल डिवाइजर, हर नंबर के, हर गॉसियन इंटीजर, मान लो एक्साई ले लिया, उसके आठ ट्रिवियल डिवाइजर्स तो होंगे ही होंगे, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, और दूसरा वो इट सेल्फ होता था, तो एक्साई माइनस एक्साई आयोटा एक्साई माइनस आयोटा एक्साई। ठीक है, एक और होता है गॉसियन इंटीजर की प्रॉपर्टी, वो बेसिक प्रॉपर्टी ये भी होल्ड करता है, अगर अल्फा बीटा को डिवाइड करे, बीटा गामा को डिवाइड करे, तो अल्फा भी गामा को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी को हमने एक तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में या लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रखा है कि अगर अल्फा जो है गामा वन को, अल्फा जो है गामा टू को, और अल्फा ही गामा एन को डिवाइड कर रहा है, इन सब को डिवाइड कर रहा है, तो इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में भी जो बनेंगे उनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है यूनिटी, आपका एंड तक काम आएगी यूनिटी। यूनिटी के ऊपर थ्योरम्स बहुत बार रिपीट होती हैं। ठीक है, गॉसियन इंटीजर की हो या क्यू ओमेगा की हो, क्यू आयोटा की हो, रिपीट होती है यूनिटी के लिए थ्योरम्स। यूनिटी क्या होती है? यूनिटी, यूनिटी एक ऐसा इंटीजर है, अगर हम क्यू आयोटा की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हम गॉसियन इंटीजर पे शुरू हो गए हैं, अभी सारा गॉसियन इंटीजर के लिए पढ़ेंगे, क्यू आयोटा के लिए, बाद में क्यू ओमेगा के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप गॉसियन इंटीजर को ही ध्यान में रखो, इसके लिए थ्योरम्स करेंगे, इसी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसी का नॉर्म पढ़ेंगे, इसी की मल्टीप्लिकेटिविटी जो नॉर्म है वो प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाती है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंटीजर एक्साई सॉरी एप्साइलन है, एप्साइलन को यूनिटी कब कहेंगे? अगर एप्साइलन हर एक्साई को जो क्यू आयोटा में है, या फिर हम ये कहें क्यू आयोटा की यूनिटी वो कहलाएगी जो हर नंबर को डिवाइड करेगी क्यू आयोटा के। ठीक है, क्यों, इसका भी, इसको एक और डीपली मैंने और करके इसलिए लिखा हुआ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एनी गॉसियन इंटीजर विच डिवाइड्स वन, क्यों, इसका रीज़न देखो, क्योंकि वन तो एक ऐसा इंटीजर है जो सबको डिवाइड करेगा। अगर मैं कहूँ एप्साइलन वन को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब एप्साइलन एक्साई को भी तो डिवाइड करेगा। अगर एप्साइलन वन को डिवाइड कर जाए और वन सबको डिवाइड करता है, इसका मतलब है सब एक्साई पढ़ो ही मत, एप्साइलन वन को डिवाइड करता है, वन सबको डिवाइड करता है, मतलब एप्साइलन सबको डिवाइड करेगा। डेफिनेशन यही तो थी, वो कहलाता है यूनिटी जो सबको डिवाइड करे। तुम एक्साई के चक्करों में पढ़ो ही मत, ये सोच लो एक्साई का मतलब है सब। ठीक है, तो एक इंटीजर एप्साइलन, उसे हम यूनिटी क्यू आयोटा में कब कहेंगे? अगर एप्साइलन सबको डिवाइड करे, और ये सब कौन है? सिर्फ क्यू आयोटा में ही होने चाहिए, ये नहीं है कि तुम क्यू ओमेगा या कोई भी रैशनल इंटीजर या कुछ भी उठा के ले आओ, तो क्यू आयोटा में। ठीक है, यूनिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब है नॉर्म, नॉर्म कैसे निकालते हैं, अपने वही पुराने, इसमें नॉर्म और मोड दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है और नॉर्म अलग है। अगर मान लो एक्साई की है ए प्लस आयोटा बी, जनरल फॉर्म तो क्यू आयोटा में यही होती है, तो ए प्लस आयोटा बी, इसका नॉर्म अगर निकालना है, ए प्लस आयोटा बी का नॉर्म, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, कि बिना आयोटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर तुम्हें मोड निकालना हो तो क्या होता है, मोडलेस, इसका मोडलेस निकालना हो तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो मोड निकालते थे, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो नॉर्म के इक्वल है, सिर्फ क्यू आयोटा में, सबके लिए मत सोचना, सिर्फ क्यू आयोटा में। अब एक बात याद रखना, एक बार आया भी हुआ था ये एक पार्ट में, कि नॉर्म ऑफ एक्साई इंटू नॉर्म ऑफ ईटा इज, नॉर्म ऑफ एक्साई इंटू नॉर्म ऑफ ईटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्साई ईटा, ये चीज़, मतलब प्रोडक्ट पे नॉर्म जो वो अलग अलग हो जाता है। तो क्या करना है तुम्हें, एक्साई को ए प्लस आयोटा बी ले लो और ईटा को सी प्लस आयोटा डी ले लो। ठीक है, तो जो जो करना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्म ऑफ एक्साई निकालो। नॉर्म ऑफ एक्साई क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
नॉर्म ऑफ ईटा निकालो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्साई इंटू नॉर्म ऑफ ईटा निकालो, दोनों की प्रोडक्ट। जस्ट वेट, जब तुम दोनों की प्रोडक्ट निकालोगे तो ये टर्म्स आ गई। अब राइट साइड में क्या है, नॉर्म ऑफ एक्साई ईटा, तो पहले एक्साई ईटा निकालते हैं, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी की प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ गई। फिर इस पे नॉर्म अप्लाई करते हैं, नॉर्म क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब तुम स्क्वायर खोलोगे तो वो क्या होगा, वो सेम होगा जो नॉर्म ऑफ एक्साई इंटू नॉर्म ऑफ ईटा आया था, और नॉर्म ऑफ एक्साई ईटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तुम कह सकते हो दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम यूनिटी से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक आज क्लियर हो गया, आप इतना क्लियर करो, अगर आपको ये क्लियर है तो अगली बार में मैं जो थ्योरम कराऊंगी वो आप साथ साथ खुद कर पाओगे, ये क्लियर है तो 100% कर पाओगे सेकेंड पार्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू गाइज़।